हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिली पनीर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पनीर लिया है, इसे टुकड़े बनाए और इसमें मैंने मिक्स किया है चिली पाउडर और नमक। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, तब तक हम इसके लिए बनाएंगे पेस्ट। हमें पेस्ट ये बना रही हूँ, बना लिया है मैं कॉर्नफ्लावर और मैदे का पेस्ट बनाया है। इसमें थोड़े से मैंने मसाले मिक्स किए क्योंकि हमने पनीर को तलना है, तो पनीर को सबसे पहले हम इसमें मैदे में और कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे, फिर हम तलेंगे। अब मैं लूँगी इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई, उसमें ऐड करूँगी मैं ऑयल। ये पेस्ट हमारा रेडी है, अब मैं कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल जिसमें मैंने पनीर को तलना है। अब ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, तब तक मैं जो पनीर के पीस है वो मैं इसमें पेस्ट में डिप करती हूँ ताकि पेस्ट अच्छे से इसमें पनीर में मिक्स हो जाए, लग जाए जो कॉर्नफ्लावर और मैदे का पेस्ट है। इसको मैंने इसमें डिप कर दिया, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसको तलूँगी, मैं एक एक करके इसमें ऐड करूँगी ऑयल के बीच। देख सकते हो मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी, थोड़ी ब्राउन हो गया, मैं इसको अच्छे से ब्राउन होने दूँगी। पनीर मेरा तल गया है, आप देख सकते हो मेरा पनीर तल के रेडी है। अब मैं इसके लिए तड़का रेडी करूँगी। तड़के के लिए ऑयल मेरा वही है जो मैंने जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ लहसुन, अदरक। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा प्याज थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिली, हरी चिली। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा अजीनामोटो सॉल्ट, ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये ऑप्शनल ही है, बिल्कुल ही आपकी मर्ज़ी आपने इसको ऐड करना नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। अब मैं इसको मिक्स करके अब मैं इसमें ऐड करूँगी नॉर्मल सॉल्ट जो होता है खाने में यूज़ करते हैं हम। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हो क्योंकि वो सॉल्ट हमने ऑलरेडी पनीर में भी डाला हुआ है। सॉल्ट आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने दूंगी, ब्राउन होने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शिमला मिर्च जो मैं ऑलरेडी चॉप की हुई थी। अब शिमला मिर्च को भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। शिमला मिर्च को ऐसे मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, ये मैं प्याज ऐड कर रही हूँ इसमें, और फिर इनको भी प्याज को भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो सॉस 2 स्पून और चिली सॉस 2 स्पून। मुझे आइडिया है मैं कितना डाली हूँ, तो आप 2 स्पून ही ऐड करें इसमें। इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस, उसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने तल के रखा था पनीर। अब हम पनीर को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरा चिल्ली पनीर बन के रेडी हो गया है। गार्निश करूंगी हरे धनिए से और हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे क्योंकि गरम गरम ये बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरा बन के रेडी हो गया है चिल्ली पनीर। तो फ्रेंड्स, आज की थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।